देखिए, इस वक्त नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से लगातार जारी है। पूरी मुस्तैदी से प्रशासन का अमला, पुलिस का अमला पूरे निर्वाचन कार्य में जुटा हुआ है। उसी के साथ हम बात करें कलेक्टर कार्यालय की, तो वहां पर अभी फिलहाल में नामांकन दाखिल करने की होड़ सी मची हुई है। अभी जिस समय 11 तारीख से नामांकन भरने की जो प्रक्रिया थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन शुरुआत काफ़ी धीमी थी। वहीं धीरे धीरे लगातार जो नामांकन दाखिल होने की जो संख्या थी वो बढ़ने लगी है। अब बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो पिछले दो दिनों में तकरीबन नामांकन की संख्या एकदम बढ़ी है। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अब जो नगर निगम का चुनाव का रण है, नगरीय निकाय और नगर परिषद के चुनाव का रण है, उसका बिगुल तो बच चुका है, लेकिन अब यहाँ पर नामांकन भरने के बाद जितने भी प्रत्याशी वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर मैदान संभालने की तैयारी में है। वहीं निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें तो आज दिनांक तक तकरीबन 8 नगर परिषद की बात करें तो 102 नामांकन 8 नगर परिषद में फिलहाल दाखिल हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं। उसी के साथ नगर निगम वार्डों की बात करें तो नगर निगम के वार्डों में पिछले कुछ दिनों तक काफ़ी कम संख्या रही, लेकिन अब लगातार संख्या बढ़ रही है। आज की बात करें तो तकरीबन 163 नामांकन आज तारीख तक वहाँ पर नामांकन दाखिल हो चुके हैं। जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं वो काफ़ी संख्या में अब लगातार पहुंच रहे हैं। उसी के साथ बात करें महापौर पद की, तो महापौर पद में भी इस बार काफ़ी ज़्यादा नामांकन दाखिल होने की उम्मीद है। अभी आज तारीख तक की बात करें तो तकरीबन 7 नामांकन आज तारीख तक महापौर पद के दाखिल हो चुके हैं। वहीं अभी आने वाले अंतिम दो दिन और बचे हुए हैं। दो दिनों में अभी फ़िलहाल जितने भी प्रत्याशी और बचे हुए हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही दलों के जो पार्षद प्रत्याशी हैं, जो पार्षद के हैं, उनके नामांकन वहाँ पर दाखिल होना है। उसी के साथ साथ तीसरी जो पार्टी है वो आप पार्टी के भी अब पूरे ही वार्डों में यहाँ पर दावेदार उतारे गए हैं, प्रत्याशी उतारे गए हैं, वो भी जल्द से जल्द नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर अपना जो फॉर्म है वो जमा करने में लगे हुए हैं। वहीं बात करें हम चुनावी प्रक्रिया की, तो लगातार जो चुनावी अमला है वो पूरा मैदान में है। लगातार देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से चुनाव की पूरी तैयारी होती है, उस तैयारी में पूरा अमला जुटा हुआ है। और कहीं ना कहीं इस पूरे नगर निगम और नगरीय निकाय नगर परिषद के जो चुनाव हैं उसको सफलतापूर्वक संपूर्ण कराने के लिए पूरे अधिकारी, पूरे निर्वाचन का अमला, कलेक्टर मनीष सिंह की यहाँ पर पूरी टीम के साथ मौजूद है। और काम पूरी लगन से, ईमानदारी से पूरा काम यहाँ पर पूरे निर्वाचन अमले के साथ किया जा रहा है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।